नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज छोटे वीडियो की सीरीज में यानी नुस्खे वाली सीरीज में एक वीडियो आपको बता रहा हूँ। मैं आपको वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ एक दवाई के बारे में। दवाई जो है वो टॉपिक समझ लें, पहले टॉपिक ये है कि डकारें बार बार आती है और लगता है जैसे इस पोर्शन में कुछ फंसा हुआ हो। ये जो मुंह से लेकर पेट का हिस्सा मतलब ओरल कैविटी से माउथ से लेके स्टमक तक, ये है आहार नली। और आहार नली में कुछ फंसा फंसा लगता है, जैसे कुछ गुड़गुड़ाहट से होती है और इरेक्टेशंस हो रहे हैं। सारे इरेक्टेशन मतलब खट्टी डकारें आ रही है, जी मिचला रहा है, तो क्या करें? इंस्टेंट रिलीफ के लिए ऐसी कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी में है? तो मैं आपको ये आज राज खोलने वाला हूँ। राज की बात यह है कि होम्योपैथी में ये जो ड्रग आपको यूज होती है, ये ड्रग बनती है हींग से। अब हींग से क्यों बनती है? क्योंकि हींग का यूज खाने में इसीलिए किया जाता था, दाल में, दाल को फ्राई करने के समय हींग डालते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की गैस या डकार ना हो। हींग की जो क्वालिटी होती है, हींग की जो एक्चुअल केमिकल क्वालिटी बोलें या जो भी बोलें, हींग का जो गुण होता है, वो हींग का मेन गुण जो है वो है गैसेस को एब्जॉर्ब करके उसको आउट करा देना, तो और उसको फर्मेंटेशन नहीं होने देना, गैसेस बनने नहीं देना, क्योंकि तो वो जो गुड़गुड़ाहट से होती है उसको ख़त्म करता है। तो हींग जो आपको मिलेगा होम्योपैथी में, जो हींग आपको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है मेडिसिन के रूप में एस्फोइटिडा। एस्फोइटिडा जो मेडिसिन है उसकी 30 पोटेंसी 10-10 मिनट में ले लें 3 से 4 बार। आपके ये जो गुड़गुड़ाहट सी लगती है और डकारें थोड़ी थोड़ी देर में आती है, बंद हो जाएगी। ऐसा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। घर पे लेकर आ जाना एस्फोइटिडा। मुझे मालूम है बहुत बैठ के आप अपनी एक एक जगह पे बैठ के काम करते हो और बहुत गुड़गुड़ाहट होती है, तो ये सारी गुड़गुड़ाहट बंद जाएगी। ऐसा है, वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना यदि आप नए व्यक्ति हैं, और लोगों तक पहुँचाएँ। छोटी जानकारियाँ बहुत काम की जानकारी हैं, पूरे देश तक पहुँचाएंगे इन जानकारी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।